भाई ये कदर से उड़ता हुआ मुद्दा कहां से आ गया? कदर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना के अफसर वाला मुद्दा? हाँ, उन्हें सजा सुनाई गई है ना? हाँ, कतर की तरफ से सजा सुनाए जाने पर भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। हम फैसले की डिटेल कॉपी का इंतजार कर रहे हैं और इन सब के बीच हम परिवार के सदस्यों और लीगल टीम के भी संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। कौन है वो 8 पूर्व अफसर? कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना ऑफिसर्स को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुण्यदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सैलर रागेश। लेकिन ब्रो, इन 8 ऑफिसर्स को किस आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया है और ये कतर में कर क्या रहे थे? देख, जानकारी के मुताबिक नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अलहरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती थी, साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। पिछले साल उन्हें भी इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया था। और अगर इन अफसरों पर लगे आरोपों की बात की जाए तो इन अफसरों पर कथित तौर पर इसराइल के लिए जासूसी करने का आरोप कतर की तरफ से लगाया गया है। कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इसराइल को देने का आरोप है। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी भारत सरकार के साझा नहीं की गई है। इन अफसरों को कब गिरफ्तार किया गया और भारत सरकार को उसकी जानकारी कब हुई? गिरफ्तारी की बात करें तो कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया। 1 महीने तक परिवार और सरकार को गिरफ्तारी की जानकारी ही नहीं थी। 30 सितंबर को इन भारतीयों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी देर के लिए टेलीफोन पर बात करने की अनुमति दी गई। पहली बार काउंसिलर एक्सेस 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के 1 महीने बाद मिला। इस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को इनसे मिलने दिया गया। इसके बाद इन लोगों को हर हफ्ते परिवार के सदस्यों को फोन करने की अनुमति दी गई और दूसरा काउंसिलर एक्सेस दिसंबर में दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था और 3 अक्टूबर को मामले में 7वीं सुनवाई हुई थी। तो क्या उस कंपनी में सिर्फ यही 8 भारतीय थे जो शक की निगाह इन पर ही पड़ रही है? अलहरा कंपनी जिसमें ये 8 अफसर काम करते थे वो इस साल 31 मई को बंद हो गई। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे जिनमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे और कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया। वो सबमरीन प्रोजेक्ट ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से इन्हें फांसी की सजा मिल रही है? जैसा मैंने अभी बताया कि इन पूर्व अफसरों पर कथित तौर पर इसराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोप है कि कतर इटली के साथ सबमरीन को लेकर एक डील कर रहा था जिसकी जानकारी इन अफसरों ने इसराइल को दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर जिन पनडुब्बियों की डील कर रहा है वो कथित तौर पर U212 नियर फ्यूचर सबमरीन का छोटा वर्जन है। इटली इस अत्याधुनिक सबमरीन को जर्मनी की मदद से बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य प्रौद्योगिकियों को रोकना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी सैन्य बढ़त कम हो सकती है। हालांकि जब से इन 8 अफसरों को पकड़ा गया है तब 7 तक इसराइल ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन भारत ने कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देगा। यही नहीं, भारत सरकार ने कहा है कि वो हर विकल्प पर विचार कर रही है। इससे पहले भी भारत ने कतर की सरकार से अपील की थी कि वो भारत के पूर्व नौसैनिकों पर दया दिखाएं और उन्हें छोड़ दें। कतर ने क्या अभी तक कोई प्रूफ बताया और भारत सरकार का इस मामले में क्या रुख है? भारत ने कहा है कि हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और करीबी नजर बनाए हुए हैं। हम सभी तरह की काउंसिलर और कानूनी सहायता मुहैया कराते रहेंगे। हम इस पूरे मामले को कतर की सरकार से उठाते रहेंगे। इससे पहले कतर में भारत के राजदूत और उनके डेप्यूटी ने 1 अक्टूबर को जेल में इन पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की थी। कतर ने इनके लिए काउंसिलर एक्सेस मुहैया कराया था। उधर दूसरी तरफ कतर ने आरोप लगाकर सिर्फ फैसला सुना दिया है पर कभी भी भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोप का डिटेल नहीं दी और ना ही किसी तरह का कोई प्रूफ मुहैया कराया है। जहां एक तरफ भारत सरकार इन 8 भारतीयों को छुड़ाने की कोशिश में लगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे भारत सरकार की नाकामी करार दिया है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री ने ना तो पूर्व नौसैनिकों और ना ही उनके परिजनों की बातों को गंभीरता से लिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पूरा मामला रहस्य बना हुआ है, भरोसा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय पूर्व नौसेना अफसरों को वापस लाने के लिए कतर सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर कार्रवाई करेगी। तो ब्रो, अब इस मामले की कोई अगली अपडेट का इंतजार कब तक करना पड़ेगा? अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, पर जैसे इस मामले से जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो वो आप सबको इंडिया लीडर यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगी। तब तक आप जाकर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप किस मामले पर क्या राय है, और इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।